नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और रामपुर से विधायक आजम खान उनके परिवार की मुश्किलों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। दरअसल पुलिस प्रशासन की टीम को जोहर यूनिवर्सिटी में जेसीबी से खुदाई के दौरान नगर पालिका के लिए मंगाई गई सफाई करने वाली मशीन मिली है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में वाकर अली खां की शिकायत के आधार पर आजम खां, उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खान, यूनिवर्सिटी के उपकुलपति सुल्तान मोहम्मद खान, अनवर हुसैन, सालिम और तालिब के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान समेत 7 लोगों पर आरोप है। इन सभी ने मिलकर सरकारी सफाई मशीनों को गायब किया और उन्हें कटवाकर जोहर यूनिवर्सिटी में दबा दिया। बताया जा रहा है कि जोहर यूनिवर्सिटी में खुदाई में नगर पालिका की सरकारी सफाई मशीन मिली है, इसके बाद ही FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर स्मृति को सोमवार को भोपाल से गिरफ्तार किया। भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने किशोर स्मृति को भोपाल से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सूचित किया है कि उन्होंने पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। पुलिस ने बताया कि स्मृति को भोपाल के कोलार रोड स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। दरअसल पूर्व विधायक किशोर स्मृति ने धमकी दी थी कि 30 सितंबर से पहले उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संसद भवन को उड़ा देंगे। किशोर स्मृति ने जिलेटिन की छड़ें, राष्ट्रीय ध्वज का एक और पैकेट संसद भवन भेजा और उड़ाने की धमकी दी। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हरदोई में देर रात बैंक से वापस घर जा रहे बैंक मित्र को मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश उनका बैग लेकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल बैंक मित्र को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेज दिया गया। मामले की जानकारी पाकर IG लक्ष्मी सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने SP से जानकारी ली। SP ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए टीम को लगाया गया था, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। थाना संडीला क्षेत्र में मलहरा के पास एक घटना हुई है, जिसमें ओम प्रकाश सिंह नाम के बैंक मित्र हैं, बैंक से अपना काम निपटा के गांव जा रहे थे। इसके बारे में उनके भतीजे की तरफ से सूचना दी गई है कि मोटरसाइकिल से जाते समय दो लोगों द्वारा, अज्ञात लोगों द्वारा, और उनके पेट में गोली मार दी गई और उनका बैग छीन करके चले गए, जिसमें पैसे थे। तभी अमाउंट कितना था ये जानकारी नहीं है। कई टीमें लगा करके इसके बारे में पड़ताल की जा रही है और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। ये घायल श्री ओम प्रकाश का इलाज प्राथमिक रूप से CHC में किया गया, किंतु उनकी हालत को देखते हुए उन्हें एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। साथ में हमारा पुलिस फोर्स भी गया है। अभी कंट्रोल में बताई गई है। बांदा में मनरेगा के कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंचे लोकपाल कार्यों का लोकपाल मनरेगा और उनकी टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। मनरेगा के कार्यों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायत को लेकर लोकपाल ने निरीक्षण किया। वे ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और सचिव की मिलीभगत से मनरेगा के कार्य में करोड़ों रुपये का बंदरबांट हुआ है। वहीं इसको लेकर लोकपाल ने जांच जारी की है। जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की बात भी कही गई। लखीमपुर खीरी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा दुरहारा से सांसद रेखा वर्मा के पति अरुण वर्मा की स्मृति में आयोजित किए गए रामचरितमानस पाठ में शामिल हुए। CM धामी ने सांसद रेखा वर्मा के पति अरुण वर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और आरती में भी शामिल हुए। साथ ही कहा कि स्वर्गीय अरुण वर्मा जी के सपने को पूरा किया जाएगा। अपने बारे में बताया कि यूनिवर्सिटी के लोग इस इलाके के हमारे साथी रहे हैं और वो भी यहाँ पर आए हैं। गोंडा जिले में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। जिले में नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटरा शिवदयालगंज में हाईवे पार कर रही 3 वर्षीय मासूम को तेज रफ्तार चौपहिया वाहन टक्कर मार दी। हादसे के बाद मासूम बच्ची सड़क पर गिर गई और कई मीटर तक घसीटती दिखी है। स्थानीय लोगों की नजर पड़ते ही मासूम वैष्णवी को उठाकर लोग अस्पताल ले गए। अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आज दिनांक 19/9/2022 को जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज क्षेत्र में चौकी लकड़बंडी के क्षेत्र में एक बलेरो चालक द्वारा लापरवाही हुई तेजी से चलाकर एक बच्ची को टक्कर मार दी। 3 साल की बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची घायल हो गई। बच्ची को पुलिस व पुलिस के परिजनों की मदद से निजी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर सिवा पखवाड़े के तीसरे दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान शाहगंज के भादीचुंगी स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा आसपास के इलाके की सफाई की गई। बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल ने अलीगंज मोहल्ले में सफाई अभियान की शुरुआत की, तो वहीं नगर के भादीचुंगी मोहल्ले में मनोनीत सभासद भुवनेश्वर मोदनवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया। भारतीय जनता पार्टी के सेवा सप्ताह के अंतर्गत हम लोग सभी हर जगह सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में अपने वार्डों में सफाई करने का मौका मिला और आज एक मैसेज लोगों को देना कि सफाई पहले अपने घर से करना सीखिए, तभी आप समाज साफ कर पाएंगे। क्या नाम है? रुपेश कुमार। जिला उद्योग केंद्र के गोपेश्वर मुख्य बाजार में स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण शिविर आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 57 लोगों के आवेदन लेकर पंजीकरण किया गया। शिविर में कृषि विभाग द्वारा 18, पर्यटन विभाग द्वारा 16 तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 लोगों के आवेदन लिए गए। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक BS कुंवर सिंह सहित रेखीय विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बांदा में महिला स्वास्थ्यकर्मी और तीमारदारों ने प्रभारी चिकित्सक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। महिला स्वास्थ्यकर्मी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ पुलिस थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया है। आशा बहु बर्ती ने घूस लेने का प्रभारी चिकित्सक अधिकारी पर आरोप लगाया। प्रभारी चिकित्सक अधिकारी महिला स्वास्थ्यकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, साथ ही मरीजों को बाहर से दवाई खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले प्रभारी चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र राजपूत का घूस लेते वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 3 मोटरसाइकिल, टैबलेट और 21 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।